गुड मॉर्निंग, आप सबको परमेश्वर के भवन में स्वागत है। आज पूरे विश्व भर में सब लोग अपने अपनी चर्चेज में जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो क्यों ना आप हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और इस परमेश्वर की आराधना करेंगे जो यहोवा हमारा शालोम, निसी और हमारा प्रोवाइडर है। आराधना हो सच्चाई से,
सब आपकी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर, आपके रात और आपके नाम की बढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके उपकारों को याद करेंगे। हमारी सीरत एक दरिंदे के सम्मान थी, पर परमेश्वर ने तब भी हमसे प्रेम किया। वो मासूम थे पर उनको दोषी ठहराया गया, उनको मारा गया, उनको थूका गया, पर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उस क्रूस पे वो चढ़ गया आपके और मेरे लिए। जैसे हमने गाया कि वो हमें चंगा करता है, वो हमें रिहाई देता है, उसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते, तो क्यों ना अपनी आराधना, एक सच्ची आराधना जो दिल से निकलती है, उस परमेश्वर को दे। क्योंकि हम कहेंगे, परमेश्वर हम आभारी हैं आपकी प्यार के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ शुक्रिया कहते हैं आपसे। Good night.
इस योग्य के ये नहीं थे कि हम यहाँ पे खड़े हो पाए। जो सांसें हम ले रहे हैं, हमारे ऊपर एक छत है, हमारे पास खाने के लिए भोजन है, हम सांसें ले रहे हैं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपको शुक्रिया करते हैं प्रभु, क्योंकि जब हम अंधेरों में घिरे हुए होते हैं प्रभु, तो उस समय में भी आप होते हैं परमेश्वर। एक चट्टान के समान, एक ढाल के समान आप हमारे साथ में रहते हैं प्रभु। हम ना आपको पैसा दे सकते हैं, ना हम आपको सोना दे सकते हैं, लेकिन आराधना पूरे सच्चाई से, पूरे मन की गहराई से आपकी आराधना हम करेंगे। विश्वास के साथ कहेंगे कि प्रभु, आप में कुछ भी असंभव नहीं है।
कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपने लाजरस को जिंदा किया परमेश्वर, आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया है, तो आप वही परमेश्वर आज भी है और हमेशा के लिए रहेंगे, और मेरे जीवन में आप काम कर सकते हैं। असंभव यीशु आप में बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ संभव है आप में। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, विश्वास के साथ गाइए। असंभव कुछ भी जीवन दे सकता है। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी, क्योंकि यीशु, यीशु को परमेश्वर की ओर उठाए। हालेलुया। क्या ये गीत जो आज की सुबह हमने गाया है, ये सच में हमारा विश्वास और प्रार्थना है प्रभु, कि तू ही मेरा बल और तू ही मेरी ढाल है प्रभु, और अगर तू मेरे साथ है तो क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। हो सकता है कोई ऐसी चुनौती हमारे सामने हो, कोई बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, या ऐसी परिस्थिति जो चट्टान के समान आकर खड़ी हो गई है, लेकिन जिस प्रकार हमने इस गीत में गाया है, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और क्यों नहीं आज की सुबह हम उस असंभव के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें हाथों को उठाकर। वो परिस्थितियां जो असंभव लगती हैं, वो बीमारियां जो असंभव लगती हैं, वो चुनौतियां और मुश्किलें जो असंभव लगती हैं, क्यों नहीं प्रभु से कहें, प्रभु असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। सब लोग हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु, वो चुनौतियां असंभव कुछ भी नहीं। हाथों को उठाकर हम विश्वास करेंगे प्रभु, असंभव कुछ भी नहीं,
कार्य असंभव नहीं चंगा होने के। ओ वो चुनौतियां प्रभु, ओ प्रभु वो मुश्किलें जो हमारे सामने खड़ी है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ आज की सुबह प्रभु हम असंभव को संभव होता हुआ देखना चाहते हैं, ओ हम असंभव को संभव होता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु ये सच है आज की सुबह कि तू ही हमारी चट्टान है। हाँ प्रभु उन आंधियों में हम तेरी ओर देखेंगे, ओ तूफानों में हम तेरी ओर आज गाएंगे प्रभु, क्योंकि तू ही मेरा सर्वशक्तिमान। ओ जीवनों के तूफानों में प्रभु हम तेरी ओर देखेंगे। प्रभु आज की सुबह हम विश्वास की आंखों से असंभव को संभव होता हुआ देखना चाहते हैं प्रभु। जो हमने गाया है कि असंभव कुछ भी नहीं, चाहे वो कैसा भी तूफान कैसा भी चट्टान हमारे सामने क्यों ना हो प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा और हमारी विश्वास की आंखों को खोल प्रभु, उन मन की आंखों को, ताकि हम विश्वास से उस असंभव को भी संभव होता हुआ देखने पाए प्रभु। प्रभु हो सकता है आज की सुबह हम किसी असंभव परिस्थिति के साथ, किसी असंभव बीमारी या चुनौती को लेकर यहाँ पर आए हैं प्रभु, और हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, अब और कोई रास्ता नहीं है प्रभु, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो जंगलों से मार्ग को निकालता है, जो समुद्र को दो भागा कर अपने लोगों के लिए मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु आज की सुबह हम तेरी ओर देखते हैं, उन चुनौतियों में, उन तूफानों में, उन मुश्किलों में, ये जानते हुए कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। I have one great concern for all of you. और मेरे पास आप सब के लिए एक बड़ी चिंता है। आर यू प्रिपेयर्ड टू बी कॉल्ड एंड अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट? क्या आप सब तैयार हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं? द वे मेनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मायसेल्फ गोइंग ऑन नाउ, और हम सब जिस तरीके से आगे जीवन में जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। That will not help us to stand boldly before God, the great judge of all. और वो हमारा मदद नहीं करेगा ऐसा जीवन कि हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो पाएं जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। We need to give more attention to how we behave, how we live, and how we have a relationship with others. And with the church and with God Himself. और हमें इस बात को देखना, समझना और जानना है कि कैसे हम दूसरों के संग हमारा रिश्ता है, दूसरों के संग व्यवहार कैसा है, किस प्रकार के स्वभाव को लेकर हम चलते हैं। And last Sunday, और पिछले रविवार को, we read a complaint of God. हमने परमेश्वर की एक शिकायत को उसके अपने लोगों के विषय में देखा, जो कि इज़राइल के विषय में परमेश्वर ने किया। And based on that, और उस शिकायत के अनुसार, I spoke to you the first part of that message. और मैंने उस संदेश के पहले भाग को आपके सामने रखा। These are all one single message. ये सब एक ही संदेश है। But because of the time factor, we have to divide it into two.
लेकिन समय कम होने के कारण मुझको दो भागों में बांटना पड़ता है। Any of you remember what I spoke last Sunday? क्या आप में से किसी को याद है कि पिछली बार मैंने क्या बोला, क्या संदेश दिया था, कहां तक? How many of you remember? आप में से कितनों को याद है, हाथ उठाइए। What was the complaint? और क्या शिकायत थी परमेश्वर के? God had several complaints against his own people Israel. परमेश्वर की कई सारी शिकायतें थी अपने लोगों के लिए, इज़राइल के राष्ट्र के विरुद्ध। And last, the first complaint is recorded in the book of Isaiah chapter 1. और पहली शिकायत को हम देखते हैं यशया नबी की किताब उसके पहले अध्याय में। And so the first complaint is there in that chapter. और वो पहली शिकायत वहीं पर है। What was the complaint? और वो शिकायत क्या थी? अरे नहीं, मेरी प्रजा कुछ विचार करते ही नहीं है मेरे पास। कोई विचार नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं। That was a very big complaint. और ये एक बड़ी शिकायत है। And if you read the book of Isaiah, you will see several of such complaints. और अगर आप यशया नबी की किताब को पढ़ेंगे तो ऐसी ही कई सारी शिकायतें आपको मिल जाएंगी। And you may say, और आप कह सकते हैं, because you want to escape. क्योंकि आप वहाँ उस शिकायत से बचना चाहते हैं। अरे वो Old Testament का है। अरे वो तो पुराने नियम का वचन है। Old Testament of Isaiah, इसराइल ऐसे ही अच्छा नहीं था। और इसराइल का जो राष्ट्र था वो तो वैसे भी अच्छा नहीं था। Then I ask another question. और तब मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। Does Jesus Christ have any complaint against the present day church? क्या यीशु मसीह के पास वर्तमान की कलीसिया के लिए कोई शिकायत है? What do you say about that? आप इस विषय में क्या कहेंगे? Does he have any complaint? क्या उस यीशु मसीह के पास कोई शिकायत है? What do you think? आपको क्या लगता है? Nobody has any opinion. Any complaint recorded about today's church in the New Testament? अगर नए नियम को हम देखें तो क्या नए नियम में आज की कलीसिया के लिए कोई शिकायत मौजूद है? I hope all of you are reading Bible reading Christians. मेरा ये विश्वास है कि कम से कम आप लोग हर दिन बाइबल जरूर पढ़ रहे हो। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, there are two full chapters, दो पूरे अध्याय हैं, with many complaints, कई सारी शिकायतों के साथ, against today's church, आज की कलीसिया को लेकर। You remember that these two chapters? और आप अगर इन दो अध्यायों को याद करें, Revelation chapters 2 and 3. और प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा और तीसरा अध्याय। If you are to give a title to these two chapters, और अगर इन दो अध्यायों को आपको कोई शीर्षक देना हो, it will be like this. वो इस प्रकार होगा। What does God think of today's church? कि क्या प्रभु यीशु मसीह आज की कलीसिया के विषय में सोचता है? Especially today's church. और खास रीति से आज के दिन की कलीसिया। Very dangerous complaint. और बड़ी ही खतरनाक शिकायतें वहाँ। Complaint is so big and great. और वो इतनी भयानक शिकायतें हैं। The warning also is given. क्योंकि वहाँ पर चेतावनी भी परमेश्वर देता है। If you don't repent, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, and change your ways, और अपने तरीकों को नहीं बदलोगे, the consequences going to be very severe. तब उसका परिणाम स्वरूप, तो जो परिणाम होगा, वो बड़ा गंभीर होगा। And so those of you who have never read these chapters, go home and read today itself, Revelation chapter 2 and 3. वे लोग जिन्होंने प्रकाशित वाक्य का दूसरा और तीसरा अध्याय नहीं पढ़ा है, कृपया जाकर घर में इस अध्याय को जरूर पढ़ लीजिए। How many churches were mentioned there? और कितनी कलीसियाओं का वर्णन प्रकाशित वाक्य में है? Seven churches. सात कलीसियाएं। The seventh church is a picture of today's church. और जो सातवीं कलीसिया है वो आज की कलीसिया का एक दृश्य है। And so we better be careful. और इसलिए होने दे हम बड़ा सावधानी बनाकर रखें। What does God think of our church, LifeSpring Assembly? प्रभु यीशु मसीह LifeSpring Assembly इस मंडली के विषय में क्या सोचता है? It's a very serious matter, my friends.
मेरे प्रियो ये बड़ा ही गंभीर बात है। And my heart is burdened। और मेरा हृदय में एक बोझ है। That if we continue to be careless and casual and just attend Sunday morning service and go home and I am okay, I am all right। ओके हम इस प्रकार के हल्के रीति के स्वभाव रखेंगे कि कलीसिया रविवार की सभा पूरा करेंगे, घर जाएंगे, पूरे हफ्ते फिर वैसे ही जिएंगे। God does not consider whether you attend a church or not। और परमेश्वर इस बात को नहीं देखता कि आप एक कलीसिया का भाग हैं या रविवार को सभा में जा रहे हैं या नहीं। He will consider your claim। और वो तो आपके दावे को देखेगा। Your own claim about yourself। आपके दावे को जो आप अपने विषय में करते हैं। I am a born again Christian। मैं एक नया जन्म पाया हुआ मसीह। I am a baptized Christian। एक बपतिस्मा लिया हुआ मसीह। I am a member of the church। और मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ। I am a tithe paying Christian। और मैं एक दशमांश देने वाला विश्वासी। You may be all this। और आप ये सब हो सकते हैं। But these things will never qualify you to be in the presence of God। लेकिन ये सारी बातें आपको योग्य नहीं ठहराएंगी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने पाएं। These are all important। ये सारी बातें जरूरी हैं। But they do not qualify you to stand before the judgments। लेकिन ये आपको योग्य नहीं ठहराते कि आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े। I want you to know that there are two judgments। और मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझिए कि दो प्रकार के न्याय हैं। The first judgment is for the church। और जो पहला न्याय होगा वो कलीसिया के लिए होगा। For you and me। आपके और मेरे लिए। That is what we read in the book of Revelation। और इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं। The second judgment is for the worldly people who rejected Christ altogether। दूसरा न्याय होगा वो जो ऐसे लोगों के लिए होगा, सांसारिक लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। They will be judged and cast into hell। और उनका न्याय करकर परमेश्वर उन्हें नर्क की आग में डाल देगा। But you will not be cast into hell। आप नर्क तो नहीं जाएंगे। But your judgment will be for rewards। लेकिन आपका न्याय इसलिए होगा क्योंकि न्याय अनुसार आपको प्रतिफल या पुरस्कार परमेश्वर And देगा। And you may comfort yourself। और आप इस बात को कहकर अपने आप को खुश कर सकते हैं। Well, I am in heaven anyway। कि कम से कम मैं स्वर्ग तो पहुंच गया। I may not receive rewards। और मुझे पुरस्कार ना मिले। But I am happy, I am in heaven। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ। Don't think that way। और ऐसा मत सोचिए। If you don't live the way God wants you to live। अगर आप उस तरीके से नहीं जीते जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप जिए। For example, what do you do during the daytime? और मान लीजिए दिन के दौरान आप क्या करते हैं? Are you doing anything to bring people to the knowledge of Christ? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में लाएं? We all are good in ourselves। हम सब भले हैं अपने आप में। I can be fully satisfied। और मैं अपने आप में तृप्त हो सकता हूँ। But the day of judgment of the believers। लेकिन उस दिन जब विश्वासियों का न्याय होगा। Is going to be a day of utter heartache and disappointment and shame। लेकिन वो एक ऐसा दिन भी होगा जो एक लज्जाजनक कईयों के लिए दुख और पीड़ा का दिन होगा। Whatever you did for Jesus, और जो कुछ आपने यीशु मसीह के लिए किया, if it is not done in the spirit of God as revealed in God's word, और अगर उसे आपने परमेश्वर के आत्मा अनुसार जैसा वचन में लिखा है, it's going to be a terrible and horrible feelings that time। अब उस समय बड़ा दर्दनाक और भयानक अनुभव होगा। ई को रिड्यूस करो। Everything you did or gave for Jesus, और जो कुछ आपने यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह के लिए किया, in a selfish manner, जो स्वार्थी बनकर आपने किया, you will see that the whole work you did is going up into the flame। तब आप देखेंगे वो सारा काम जो आपने शरीर में और स्वार्थ में किया वो आग में जाएगा। How do you like that? आपको कैसा लगता है ये सुनकर? And he said, I did all these things। और आप कहेंगे अरे मैंने तो ये सारी चीजें करी। No reward। और कोई भी पुरस्कार नहीं, कोई भी प्रतिफल। Why the whole work is gone up into flame? जबकि आपका सारा काम जो है जला दिया जाएगा। Please, I stop preaching। मैंने प्रचार करना छोड़ दिया है।
it is my business now to teach. अब मैंने शिक्षा देना शुरू किया है. What is the purpose? और इसका उद्देश्य क्या है? I want to prepare you for the day of judgment. क्योंकि मैं आपको न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता हूँ. It is not good enough to think that somehow you reach there. और ये सोचना अच्छे या काफी नहीं है कि आप किसी ना किसी तरीके से स्वर्ग तो पहुँच ही जाओगे. To face the great judge of all. कि आप उस सबसे बड़े न्याय के सामने, उस परमेश्वर के सामने उसका सामना करोगे. It's not going to be easy. और ये आसान नहीं होगा. It is going to be horrible feelings. और कई सारे आप डरावना, कईयों के लिए भयानक और डरावनी बात होगी. So we considered three of such complaints. और तीन ऐसी शिकायतों को पिछले रविवार के दिन हमने देखा. And there are four more. और चार और ऐसी शिकायतें. So I hope to finish today. और इसलिए मैं आशा करता हूँ आज के दिन इन चारों को मैं समाप्त कर पाऊंगा. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए. The first complaint was. और पहली शिकायत है. That God's people did not consider the pit from which God has raised us up. कि परमेश्वर के लोगों ने उस गड्ढे की ओर नहीं देखा जहां से परमेश्वर ने उठाकर उन्हें खड़ा कर दिया. And if we only consider that seriously, और अगर हम सिर्फ उस गड्ढे को ध्यान पूर्वक सोचे और समझे, we will be more humble before तब God. हम इस परिस्थिति को लेकर और दीन बन जाएंगे. Consider the pit from which you are raised up. और उस गड्ढे के विषय में सोचिए जहां से आपको निकाला गया. You are worthy of what? आप किस योग्य हैं? In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में. You are not worthy for any favor. आप किसी भी बात के योग्य नहीं हैं. But God in His mercy, लेकिन परमेश्वर अपनी दया में, has forgiven you, आपको माफ किया है, in response to your repentance, आपके माफी के, आपके मन फिराने के कारण, then He lifted you up from that pit of hell, और आपको उस नर्क के गड्ढे से बाहर निकाला, and saved you, और आपको बचा लिया, and consider you as His own son and daughters, आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया. Do you consider that? क्या आप इस विषय में सोचते हैं? And then be more humble. तब आप और दीन हो जाएंगे. It is not our goodness. और ये हमारी भलाई नहीं है. It is not anything good we have done. और ऐसा कुछ अच्छा नहीं है जो हमने किया है. It is absolutely because of His mercy. ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया के कारण है. His grace. उसका अनुग्रह के कारण है. What is grace? और ये अनुग्रह क्या है? Unmerited favor. और परमेश्वर का वो अनुग्रह जिसके योग्य हम नहीं. You don't earn it. आप हम इसे खरीद नहीं सकते या हम इसे पा नहीं सकते. You don't merit it. और हम किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं कि हमें दिया जाए. You and I don't deserve it. हम इसके योग्य भी नहीं हैं. It is 100% His grace. और 100% परमेश्वर का अनुग्रह. Not because we deserved it. इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं. Each of us seated here. हम में से हर एक जो इस स्थान पर बैठा है. Please consider that. कृपया इस बात को समझ लीजिए. Don't sit there thinking, oh, I have done this, I have done that. You know, it is only because of His mercy. Mercy means unmerited favor. और कृपया कर आप ऐसा मत सोचिए अपने स्थानों पर बैठकर कि मैं इस लायक इसलिए हूँ कि मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा देता हूँ या ऐसा करता हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है. And then the second thing we considered. जो दूसरा कारण, जो शिकायत हमने देखा. The cost of our salvation. हमारे मोक्ष या हमारे उद्धार का दाम. Like the people of Israel. जैसे इज़राइल के लोग थे. What cost God paid in order to set them free? और क्या दाम परमेश्वर ने चुकाया कि परमेश्वर उनको आजाद करे? But the cost God paid for our forgiveness, for our salvation. लेकिन वो दाम जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया हमारे उद्धार या मोक्ष के लिए, is beyond our imagination. वो हमारे सोच के परे है. Nothing, no one could in heaven or on earth, no one could pay that kind of. और याद रखिए, स्वर्ग या पृथ्वी में कोई भी दूसरा जन इस दाम को नहीं चुका सकता. For the Creator, Eternal God Himself. Put on himself a human body, coming down to this earth, and then gave his body to be broken and blood to be shed.
और क्योंकि उस अनंत के परमेश्वर ने खुद देहधारी होकर हमारे बीच में रहा और वास किया और अपने उस शरीर को दे दिया कि वो तोड़ा जाए और उसका लहू बहाया जाए ताकि उसके द्वारा हमारा मोक्ष संभव हो। Oh, the way Jesus suffered. और किस तरीके से यीशु मसीह ने दुख उठाया। The cruel, cruel, cruel way he was tortured. और किस तरीके से बुरी तरीके से उसको ताड़नाएं और दुख और दर्द दिया गया। In many ways. कई सारे तरीकों से। And the Bible described that anyone who passed by looked at the man hanging on the cross, they could not recognize him as a human being. और बाइबल इस प्रकार बताती है कि इस तरीके से उसको मारा और तोड़ा गया था कि जो कोई भी उस रास्ते से निकलते हुए क्रूस पर उसको लटका हुआ देखता था, ये पहचान भी नहीं पा रहा था कि कोई मानव है या कोई इंसान है जो क्रूस पर लटकाया गया। To that extent they disfigured him. इतने बुरी तरीके से उन्होंने मार कर उसकी देह को बर्बाद कर दिया। With all kinds of punishment, physical torture. और हर प्रकार की शारीरिक ताड़ना उसको दी गई। And then shedding his blood. और उसके बाद उसने अपना लहू बहा दिया। Blood means what? और लहू का क्या मतलब है? Come on, somebody say fast. Blood means what? लहू का क्या मतलब है? Life itself. और लहू का मतलब है जीवन। That is too much. So how much do we think? Do we consider these things? क्या हम इस विषय में सोचते हैं? If we consider this, we will be more thankful. और अगर हम इस विषय में सोचते हैं तो हम और ज्यादा धन्यवादित हो जाएंगे। Thankfulness is shown not by words. और याद रखिए, धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं बताया जाता। Thankfulness is shown by your action. लेकिन धन्यवाद हमारे कामों से और हमारे कार्यों से भी दिखना चाहिए। The way you live for him. जैसे आप उस परमेश्वर के लिए जीते हैं। The way you give him. और जैसे आप उसको देते हैं। What? क्या? Praise and worship. आपका स्तुति और आराधना। He is not asking $1 million from you. और वो आपसे कोई लाखों रुपये नहीं मांगता। But at least give him honor and worship. लेकिन हम कम से कम उसका आराधना, स्तुति और आदर तो कर सकते हैं। Can I see some hands going up? क्या मैं कुछ हाथों को ऊपर जाता हुआ देख सकता हूँ? And say thank you, Lord. और आपका ये धन्यवाद परमेश्वर। It is beyond my understanding. ये मेरी समझ के परे है। Beyond my ability to grasp. और ये मेरी योग्यता के भी परे है कि मैं इसे समझ पाऊं। But you went through it all for my sake. लेकिन आप इन सारी बातों से होकर के निकले सिर्फ मेरी खातिर। Hallelujah. Hallelujah. And the third thing we considered was. और जो तीसरी बात हमने देखी थी। Consider your relationship with him. अपने रिश्ते को उसके साथ हमें देखना है। And if you understand the meaning of the relationship, और अगर आप उस रिश्ते के अर्थ को समझेंगे, what it really means, कि उसका सच में क्या अर्थ है, then you will be more restful. तब आप ज़्यादा विश्राम उसमें कर पाएंगे। You won't be anxious, you won't be worrying. तब आप चिंता नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। You will be very restful in him. तब आप परमेश्वर में अपने विश्राम को पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. You just give thanks to God all the time. आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दें हर समय। Amen. Amen. Hallelujah. So, the fourth thing we will consider today. और जो चौथी बात आज के दिन हमें देखनी है। What is it that we should be thinking and being grateful to Him? और वो कौन सी ऐसी बात है जिस विषय में हमें सोचना है या उसका धन्यवाद करना है? Consider your privileges. अपने सौभाग्य के विषय में सोचिए। Privileges are sons and daughters. वो सौभाग्य जो आपको बेटा और बेटी बनने के द्वारा मिला है। He poured out into you. और उसने अपने आप को आप में दिया। His Holy Spirit. उसने अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेला आपके ऊपर। Whether you received it or not, that is up to you. और ये आपके ऊपर है कि आपने उस पवित्र आत्मा को पाया या लिया या नहीं। But he has freely sent his Holy Spirit. लेकिन उसने बड़े मुफ्त में उस पवित्र आत्मा को सबके लिए भेजा। Have you received it? क्या आपने उस पवित्र आत्मा को पाया है? If you have not, then it is your problem. और अगर आपने नहीं पाया है, तो ये आपकी समस्या है। But as far as God is concerned, लेकिन जहाँ तक परमेश्वर की बात करें, He poured out His Holy Spirit. तो उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उड़े
देला दैट यू माइट क्राई आउट ताकि आप पुकार कर चिल्ला कर कह सके अब्बा फादर और आप कह सके कि हे पिता हालेलुया हालेलुया द प्रिविलेज ऑफ कॉलिंग दिस ऑलमाइटी इटर्नल क्रिएटर गॉड और वो सौभाग्य जो मुझे और आपको मिला है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम पिता कहकर बुला सकते हैं एज योर फादर आप अपने पिता के रूप में बुला सकते हैं Do you realize the privilege? क्या आप इस सौभाग्य को समझ पा रहे हैं? Are you using that privilege? क्या आप इस सौभाग्य का प्रयोग कर रहे हैं? Are you drawing closer to Him? क्या आप परमेश्वर की ओर निकट आ रहे हैं? Walking with Him? क्या उसके संग चल रहे हैं? What a joy we have to walk with our earthly fathers! और कितना आनंद का बात है कि हम अपने जब पृथ्वी पे जो पिता है उनके संग चल सकते हैं father, और जब हम अपने पिता के संग चलते हैं we are not afraid of darkness, तब हम किसी भी अंधकार से डरते नहीं we are not afraid of anyone else coming to attack us आप चाहे कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए क्यों ना आ जाए हम डरेंगे नहीं All we need to do is to hold on to God. और सिर्फ करना जो हमको है वो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर को थामे रहना। And when you are in deeper trouble, और जब आप और गहरी समस्या में फंस जाते हैं, you have the privilege of crying out, Abba, Father. आपके पास ये सौभाग्य है कि आप उस परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं। Wow, what a privilege it is! और कितना बड़ा सौभाग्य है ये। He is not going to ignore your cry. और वो आपके पुकार को तिरस्कार नहीं करेगा. As soon as you can walk into His throne room. और जैसे ही आप उसके सिंहासन के निकट आ जाएंगे. You can experience His throne room in your bedroom. तब आप उसके सिंहासन का अनुभव अपने कमरों में भी कर सकते हैं. When you are filled with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे. Set aside everything else. तब आप और सारी बातों को किनारे कर देंगे. Concentrate on God. और यीशु मसीह पर ध्यान लगाएंगे. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. Let your children see you on your knees crying out. होने दे आपके बच्चे आपको घुटनों पर बैठकर रोते हुए प्रार्थना करते हुए देखने पाए They will do what you are doing. और आप वो भी वही करेंगे जो आप करते हैं So if they misbehave in the church, अगर वो कलीसिया में गलत व्यवहार करते हैं That's what they see you doing. क्योंकि वो ऐसा ही देख रहे हैं तो वैसा ही कर रहे हैं How much respect you give. और कितना ज्यादा आदर आप देते हैं when you sit in the fear, in the presence of God. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं The devotion. और वो भक्ति The love. वो प्रेम That's what they see in you. और इसी बात को वो आपके अंदर देखते हैं And then you come to the pastor, please pray for my daughter, she is not doing और well. आप तब आएंगे पासवानों के पास और कहेंगे पास्टर मेरे बेटी या बेटे के लिए प्रार्थना करिए उसका रवैया उसका व्यवहार सही नहीं है You set your life right before the children. आप अपने जीवन को बच्चों के सामने सही जिए और सही उदाहरण के साथ जिए. Let them see it in you. और होने दे बच्चे आप में देखने पाएं अपने उदाहरण. As God complained. और जैसे परमेश्वर ने शिकायत किया. My people do not consider. कि मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, चिंता नहीं करते. And so they are not grateful. और इसलिए वो धन्यवाद भी नहीं करते. Let us consider God. आइए परमेश्वर के विषय में हम गंभीरता से सोचें. The blessings He has poured out on us. और वो आशीषें जो उसने हमारे ऊपर उडेली हैं. At no earthly cost of anything. और याद रखिए पृथ्वी रूप में जब हम यहाँ मौजूद हैं हमने कोई दाम उसके लिए नहीं चुकाया. As soon as you can walk into His throne room. और जैसे ही आप उसके सिंहासन के निकट आ जाते हैं. Into His inner chamber. जब आप उसके वो भीतरी कोठी में पहुँचते हैं. What a privilege it is. और कितना सौभाग्य का बात है For you and I आपके और मेरे लिए to experience his closeness. कि हम उसके संग एक घनिष्ठ रिश्ते को हम अभ्यास कर सकते हैं May you be filled with his joy. होने दे आप उस परमेश्वर के आनंद से भर जाएं The joy of his salvation. उसके उद्धार का आनंद The joy of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का आनंद And the joy of the Lord. और परमेश्वर का आनंद Threefold joys. और वो तीन प्रकार का आनंद
What are they? और वो क्या क्या है? The joy of the किस चीज का आनंद पहला? The joy of the joy of what? The joy of salvation. उद्धार का आनंद. बोलिए ना. उद्धार का आनंद. क्या आप लोग उद्धार का आनंद अनुभव करते हैं? Yes, yes, yes means what? Then where is that joy? अगर महसूस करते हैं तो वो आनंद कहाँ? If there is joy, you should be shouting. और अगर आपके पास आनंद है, तब आपको चिल्लाना है. The joy of his salvation. उसके उद्धार का आनंद. Are you understanding it? क्या आप समझ पा रहे हैं? And then secondly, the joy of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का आनंद. And thirdly, the joy of the Lord. और तीसरा प्रभु का आनंद. आयो, three abundant joy. और वो बहुतायत के तीन आनंद हमारे पास हैं. God's people can enjoy. पर परमेश्वर के लोग इन आनंदों का अनुभव कर सकते हैं. The joy of salvation. और वो धार का आनंद. पवित्र आत्मा के आनंद. और प्रभु के आनंद. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Those of you are seated there, are you with us? और आप में से वे जो ऊपर बालकनी में बैठे हैं, आप हमारे साथ हैं? Then if you are with us, shout with us. और अगर आप हमारे साथ हैं, तो हमारे संग ऊंची आवाज में बोल भी सकते हैं. उद्धार का आनंद. उद्धार का आनंद. पवित्र आत्मा के आनंद. पवित्र आत्मा का आनंद. और प्रभु के आनंद. और प्रभु का आनंद. इतना थ्रीफोल्ड आनंद आपके जीवन में प्रभु ने दिया है. और तीन तरीके का आप आनंद क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं? आनंद ही आनंद ही आनंद है. अब छोटा सा एक फीवर आया गया, सभा आनंद चले गया, और प्रभु से कंप्लेंट करते हैं, प्रभु हमको दया दिखाओ, ये दिखाओ, वो दे दो, हैं चिल्लाएंगे. लेकिन जब आनंद 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 है, आप चुपचाप रहते हैं आनंद से. आनंद कहाँ जाता है? कितना अच्छा है प्रभु, कितना अच्छा है प्रभु. क्या ये आनंद आप 1 मिलियन किलोग्राम डायमंड या गोल्ड लेके मार्केट में जाके खरीद सकते हैं? एक छोटा सा आनंद भी खरीद सकते हैं? तो बताओ, इतना अमूल्य. आमीन. आनंदी आनंदी हमको डांस करना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में. अरे जो पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, शांति. क्या आप ये बड़े बड़े मॉल में क्या 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 मॉल है? लुलू मॉल में जाके उनसे मेरे पास 1 मिलियन किलोग्राम गोल्ड है, इसमें जितना शांति आप दे सकते हैं हमें शांति दीजिए. क्या मिलेगा कुछ? हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कुछ पैसा नहीं देते हैं हम परमेश्वर को, उनकी आनंद हमें मिलने के लिए. हमें सिर्फ इसके उपस्थिति में आकर प्रभु हम आपके संतान है. हालेलुया 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 हालेलुया. आई नो नाउ दैट इफ आई अलाउ यू टू डांस यू विल स्टैंड अप एंड लाव डांस. मुझे पता चला अगर मैं आपको अनुमति दूं तो आप खड़े होकर नाचेंगे भी. हालेलुया. दैट इज द यू नो व्हाट द वे आवर लाइफ इज एक्सटेंडेड टू दिस डे.
No one in the whole world and universe can extend your life. और याद रखिए आज के दिन तक अगर आपका जीवन आगे बढ़ा है तो कोई और दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड में इस जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता. Praise the Lord. May you be filled with this joy. और होने दे आप इस आनंद से भर जाएं. Consider that's what God wants. और यही जानता है, यही परमेश्वर कह रहा है कि आप पहचानो, विचार करो. मुझे ये आनंद है. और इस बात पर विचार करो कि ये आनंद मेरे पास है. उद्धार के आनंद, वो उद्धार का आनंद, पवित्र आत्मा के आनंद और प्रभु की आनंद. हालेलुया. थ्री फोल्ड आनंद. एंजॉय इट. और इस आनंद का आनंद उठाइए. मॉर्निंग और सुबह उद्धार की आनंद, दोपहर पवित्र आत्मा की आनंद और शाम को प्रभु का आनंद. आनंद ही आनंद है. हालेलुया. Let us as God's peoples show it to the Lord. You know, a गीत that आप गाते हैं स्वर्ग दूत भी नहीं गा सकते हैं. आपको मालूम है उद्धार की आनंद. हम ये गीत गाते हैं, स्वर्गदूत गाना चाहते हैं लेकिन उनको गा नहीं सकते हैं, क्योंकि उद्धार किसको मिला है? हमको, आपको, मुझको. हम ही ये गा सकता है. हालेलुया. And I pray that God's people will remember this. और मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर के लोग इस बात को याद रखेंगे. Number five. पांचवी बात. What time we close? 12 o'clock. Praise God. The fifth thing is. पांचवी बात. Consider your responsibility as servants and be more watchful. और एक दास होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और सावधानी बरतिए. आप कौन है? प्रभु का एक सर्वेंट है. इस दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जॉब क्या है? प्रभु का एक सेवक होना है. इसे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकते हैं कोई. What is he? He is the King of Kings. और वो राजाओं का राजा है. He is the Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु है. He has no beginning and the end. और उसका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं. He is before time. और वो समय शुरू होने से पहले था. And he will be after time. और समय समाप्त होने के बाद भी होगा. He is the eternal God. क्योंकि वो अनंत का परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. My children. मेरे बच्चों. Let us rejoice. और आइए हम इस बात में आनंद मनाएं. What a privilege it is to serve the Lord. और ये कितना सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं. All of us are servants. हम सब परमेश्वर के दास हैं. Some of us are like us, pastors. हम में से कुछ पासवान हैं. He has chosen us to not to go for any job but dedicate your life absolutely for. और उसने ये बुलाहट हमें दी कि हम कोई नौकरी ना कर उसको पूर्ण रीति से सेवा करें. So this is what we do. और इसी काम को, इसी सेवा को हम करते हैं. Our responsibility is to prepare God's people for a work of evangelism. और हमारा जिम्मेदारी यह है कि हम परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार को सुनाने और आगे ले जाने के लिए तैयार करें. We are God's servants. हम परमेश्वर के दास हैं. Amen. Amen. To be God's servants means what? To be the servant of the King of Kings and Lord of Lords. और परमेश्वर के दास का होना, होने का मतलब है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का दास होना. So consider that responsibility. और इस जिम्मेदारी को आप सोचिए. I am in my King's service. कि मैं अपने राजा की सेवा में हूँ. Amen. Amen. My job is to bring people, more and more people to the king. और मेरा जिम्मेदारी ये है, मेरा काम ये है कि मैं और ज्यादा लोगों को इस राजा के निकट ले आऊं. And we need to be more watchful. और हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी है. All who have received the gospel. और वे सब जिन्होंने सुसमाचार प्राप्त किया है. Become custodians of the gospel. हम उस सुसमाचार के रखवाले बन जाते हैं.
and responsible to the master for it. और अपने स्वामी के प्रति हम उसके जवाब दे हैं. So his question is, what did you do with the gospel I have given? और इसलिए उसका सवाल ये है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसका क्या किया? Have you shared it with some people? क्या आपने कुछ लोगों के संग उसे बांटा? Young people. जवानों के साथ. I just returned from Uttarakhand. और मैं उत्तराखंड से लौटा. We had an amazing conference of all the pastors, over more than 100 pastors of Uttarakhand, the AG, and their families. और उत्तराखंड में मौजूद 100 से ज्यादा पासवान जो Assemblies of God के हैं, उनके परिवारों के संग वहाँ मौजूद थे. So we have about 270 people. और लगभग 270 लोग वहाँ पर मौजूद. Husbands and wives and children. और वहाँ पर पति, पत्नी, बच्चे सब परिवारों के संग मौजूद थे. We were prepared, even the children can share the gospel to outsiders. और यहाँ तक बच्चे भी बाहरी लोगों के संग सुसमाचार बांट सकते हैं. Do you train your children to do it? क्या आप अपने बच्चों को वैसा प्रशिक्षित करते हैं? It is parents' responsibility. ये माँबाप की जिम्मेदारी है. They are not afraid. और वो डरे हुए नहीं हैं. But we are afraid. लेकिन हम डरे हैं. So we stop them also. ताकि और हम बच्चों को रोक देते हैं. They will share with their friends. और वो तो अपने दोस्तों के संग बांटेंगे. And they even say your idol, your idol worship. What can an idol do? और वो तो यहाँ तक कह देंगे अपने दोस्तों से कि एक मूर्ति क्या कर सकती है? Train your children to share the gospel with non-Christians. और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उस सुखद समाचार को दूसरों तक ले जा पाए जो नहीं यीशु मसीह के विषय में जानते हैं. द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रेशियस मैसेज इज द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट. और जो सबसे बहुमूल्य संदेश हमारे पास है वो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, गिवन इन आवर हैंड, जो कि हमारे हाथों में सौंपा गया है. वी आर द कस्टोडियन, और हम उसके रखवाले हैं. व्हाट आर वी डूइंग विद, हम उस सुसमाचार के संग क्या कर रहे हैं? इट इज टू बी शेयर्ड, वो दिया गया ताकि हम उस सुसमाचार को बांटें. इट इज टू बी गिवन आउट, ताकि हम उसे बांटें. फ्रीली यू रिसीव, और आजादी मुफ्त में तुम्हें दिया गया. फ्रीली गिव, और मुफ्त में तुम इसे दो. As parents, माँ बाप होते हुए, let us train our children. आइए हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें. So that they will not be afraid. ताकि वो डरेंगे नहीं. And they will experience, feel the responsibility of sharing the gospel with their friends. और वो भी इस बात की जिम्मेदारी को समझेंगे. Because this is the most precious and expensive message. क्योंकि ये सबसे बहुमूल्य और सबसे महंगा सुसमाचार. But nobody has to pay anything for it. लेकिन किसी को भी इसके लिए दाम नहीं चुकाना पड़ा. Amen. Amen. So it is our responsibility to deliver the message of the gospel. और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार के संदेश को बांटें. It is not to be kept to ourselves. और ये इसलिए हमें नहीं दिया गया कि हम इस संदेश को अपने पास रखें. Everybody deserve to receive this precious message. हर किसी के पास, हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इस सुसमाचार को. Your colleagues, आपके सहकर्मी, your neighbors, आपके पड़ोसी, they all deserve to receive this message. और वो सब योग्य हैं कि इस संदेश को पाएं. Whose responsibility? ये किसकी जिम्मेदारी है? It is yours. ये आपकी जिम्मेदारी है. They are your friends. वो आपके मित्र हैं. They are your neighbors. वो आपके पड़ोसी हैं. Hallelujah. Hallelujah. You understand? That is what you need to do. क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ऐसा कुछ आपको. There are New Testament available here. यहाँ पर नए नियम का कॉपीज मौजूद हैं. Take a number of them. और जितना आप ले जा सकते हैं ले जाइए. One week you meet at least 3 people. कम से कम एक हफ्ते में 3 नए लोगों से मिलिए. Give them this. और इस सुसमाचार को उन तक पहुँचाइए. Telling you read this. और उसको ये बताते हुए कि तुम इसे पढ़ो. It will show you the way of salvation. और ये किताब तुम्हें मोक्ष के, उद्धार के मार्ग को दिखाएगा. How you can be free of death. कि कैसे तुम मृत्यु से आजाद हो सकते हो. Amen. Amen.
God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. Do it. और इसे करिए. Hallelujah. Be watchful. और सावधानी बरतिए. Lest you be led astray. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे. And become careless. और हल्की रीति से जिएंगे. Don't allow that. ऐसा अनुमति होने मत दीजिए. From your hand. अपने हाथों से. Some gospel message must go to someone who. सुसमाचार का ये संदेश किसी तक जाना चाहिए जिसने उसे नहीं सुना. And sixthly. छठी बात. Consider the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में, तोहफे के विषय में सोचिए. And be more fruitful. और ज्यादा फलवंत हो जाइए. You got to be a fruitful Christian. आपको एक फलवंत मसीह होने के लिए बुलाया गया. Come on, everybody say this. और हर कोई इस बात को कहे. I want to be a fruitful Christian. कि मैं एक फलवंत मसीह होना चाहता हूँ. मैं फलवंत मसीह होना चाहता हूँ. A fruitful Christian. एक फलवंत मसीह. Who shall be a witness for Jesus? जो यीशु मसीह के लिए एक साक्षी, एक गवाही है. It is for this purpose the Holy Spirit is given to us. क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा हमें सौंपा और दिया गया है. Receive that Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करिए. And keep the Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा को अपने पास रखिए. Don't grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाइए. Hallelujah. Then he will give you more strength and more courage and more fruitful ministry. तब वो आपको और साहस, और शक्ति, और फलवंत सेवा देगा. Do you consider him, the Holy Spirit, to be your teacher? क्या आप पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक मानते हैं? John's Gospel chapter 16. और यहुन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय. Don't open it now. You अभी खोलने की जरूरत नहीं है. You read that chapter at home. घर में जाकर इस अध्याय को पढ़ सकते हैं. It says the Holy Spirit is your teacher. वहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. He will teach you. और वो आपको सिखाएगा. You can depend on the Holy Spirit to give you the right words to speak when you meet somebody. और आप पवित्र आत्मा पर निर्भर हो सकते हैं कि वो आपको सही शब्द दे बोलने के लिए. He will give you courage. और वो आपको साहस देगा. And he will help you to understand how to share and what to share. और वो आपका मदद करेगा कि कैसे बांटना है और किसे बांटना है. Amen. Amen. He the gift of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वरदान को सोचिए. He is also the comforter. और वो हमें संभालने वाला परमेश्वर भी है. And while doing this work, और इस काम को करने के द्वारा, if somebody slap you, अगर कोई आपको चाटा मार दे, what should you do? आपको क्या करना है? You must rejoice. आपको आनंद उठाना. Hallelujah. Hallelujah. Stand there and shout Hallelujah. Hallelujah. God bless you, my brother. और आपको कहना है कि हे मेरे भाई, परमेश्वर तुझे आशीष दे. God will comfort you and he will give you courage. और परमेश्वर आपको ये करने के लिए साहस भी देगा और आपको तसल्ली भी देगा. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो. He is your teacher. वो आपका शिक्षक है. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. So let all the believers be filled with the Holy Spirit. और इसलिए होने दे सारे मसीही पवित्र आत्मा से भर जाएं. Amen. Believers must learn to consider the Holy Spirit as your companion residence. और जितने विश्वासी हैं, मसीह हैं, हमें पवित्र आत्मा के विषय में ये जानना और समझना है कि वो हमारे संग रहने वाला एक व्यक्तित्व है. You both live in the same place. और हम आप दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं. Share the same bed. और एक ही बिस्तर पर सोते हैं. Amen. Amen. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. What a companion he is. और कितना अच्छा सहायक हमारे he पास is है. The source of your power and your courage. और वो हमारे साहस और सामर्थ का स्रोत है. And think of his self-sufficiency. और सोचिए कैसे वो अपने आप में पर्याप्त है. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो. In the work of God. और परमेश्वर के काम में. Depend on him. उस पर निर्भर हो जाएं. He will help you. और वो आपकी मदद करेगा. And lastly, और सातवीं और अंतिम बात.
consider the glory. उस महिमा के विषय में विचार करिए. That is coming to be revealed in you. जो आ रही है कि आपके द्वारा और आप में प्रकाशित हो. The glory of God. परमेश्वर का महिमा. To be revealed in you. जो आप में प्रकट होगा. When I consider the glory. और जब मैं उस महिमा के विषय में विचार करता हूँ. To be revealed in me. जो मुझ में प्रकट होगी. I consider the present afflictions and trials as nothing. तब मैं वर्तमान में मौजूद जितने चुनौतियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, ये कुछ भी नहीं. Paul says in Romans letter. और पॉल इस बात को लिखता है रोमियो की पत्री में. Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. Remember, you are your own judge. आप अपना न्याय खुद कर सकते हैं. In your relationship with the Lord. और अपने रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ. Where do you stand? आप कहां पर खड़े होते हैं? Is he pleased with you? क्या वो यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है? You don't have. I am concerned about our young people. और मैं अपने जवान बच्चों के विषय में मुझे चिंता है. Sometimes our today's Christian young people. Don't realize the seriousness of following Christ. और कई बार जो हमारे मसीह बच्चे हैं उस गंभीरता को नहीं समझते कि कैसे यीशु के पीछे चलना है. So our people must learn to be very serious about following Christ. और हमारे लोगों को इस विषय में गंभीर होना है कि कैसे यीशु के पीछे एक अनुयायी के रूप में चलना है. Whatever we do. और जो कुछ भी हम करते हैं. Must be for the glory of God. वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए. So before you do a things, ask this question: Does this glorify God? और इससे पहले कि आप कुछ करें, इस सवाल को पूछिए क्या ये करना या इस करने से प्रभु को महिमा मिलेगी? What I am going to do? जो मैं करने जा रहा हूँ. Are you ready for life during this new week? क्या आप जीवन के लिए तैयार हैं इस नए हफ्ते में? Today is the first day of this new week. और इस नए हफ्ते का आज का पहला दिन है. And now for the next 6 days, you will be in the world. और अगले 6 दिनों के लिए आप संसार में होंगे. You have your neighbors. आपके पड़ोसी हैं. Your friends. आपके मित्रगण हैं. Your colleagues. आपके सहकर्मी हैं. Your relatives. आपके नाते रिश्तेदार हैं. Your acquaintances. और जिन्हें आप जान पहचानने वाले लोग हैं. You have to deal with all these people. और आप इन सारे लोगों के संग आपने उठना बैठना करना है. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? And present yourself as a follower of Jesus Christ. और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करें. Everything you do, everything you speak must be His glory. और जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, वो सब उसकी महिमा के लिए होना चाहिए. Somehow somebody will come to know Jesus. कि किसी तरीके से, किसी तौर, किसी वजह से कोई तो यीशु मसीह को जाने. You have been given everything that is needed. और आपको हर वो बात मुहैया कराया गया जिसकी आवश्यकता है. All you have to do is. और जो कुछ आपको करना है सिर्फ. Share this gospel. सुसमाचार को बांटे. Pray with प्रार्थना somebody. करे किसी के साथ. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let us determine. आइए इस बात को निश्चित करें. Please remember the theme of this Life Spring Assembly Church. और कृपया कर इस साल का जो शीर्षक इस कलीसिया है उसको याद रखिए. For 2024. 2024 के लिए. What is it? क्या है शीर्षक? Growth and expansion. बढ़ना और फैलते जाना. बढ़ना और फैलते. सिर्फ ग्रोथ नहीं, but whatever is growing, it should spread. So by the end of this year. और इसलिए साल के अंत में. Both the services must be overflowing. तब दोनों सभाएं भर जानी चाहिए. Not one or two Sundays. एक और दो रविवार नहीं. But regularly. लेकिन हर रविवार. And a third service will begin. और तीसरी सभा भी हमें शुरू करना है. Hallelujah. Hallelujah. That's the way.
You bring in people. आप लोगों को लेकर के आइए. I will teach them. और मैं शिक्षा देंगे. You lead them into baptism. अब आप उन्हें बपतिस्मा का तैयारी कराइए. You consider them as your children, spiritual children. आप उनके आत्मिक माँबाप बन जाइए. If every family. अगर हर एक परिवार. Will decide that at least five individual, at least two or three families, will permanently. Become part of this church. कि दो और तीन नहीं कम से कम जो परिवार है वो इस कलीसिया में जुड़ जाएंगे. In 2024. 2024 में. This is the sixth month, you know. Yes. So six more months is left. छह और महीने बचे हैं. We are talking about January to December. और हम बात कर रहे हैं जनवरी महीने से दिसंबर तक की. So decide. I mean determine that. और इसलिए इस बात को निश्चित करिए. Let me be an instrument in God's hand. और कहें प्रभु मैं आपके हाथों में एक यंत्र ठहरने वाला हूं. Lord, you have given us the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है. Holy Spirit has given us power. और पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य दिया है. Holy Spirit will also teach us. और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा. When we have all these facilities available. जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. How can we say I am sorry I did not know? तब हम ये क्या कैसे कह सकते हैं कि मुझे माफ करिए मैं तो नहीं जानता था. I pray that every family aur meri prarthna ye hai ki har ek parivar then it becomes a whole household must sit and pray aur pura gharana pura ghar ek sath baith kar prarthna aur prashansa husband and wife along with the children ki pati patni aur bacche ek sath and if you don't have children aur agar bacche nahi hai husband and wife must sit tab pati aur patni baithna hai and pray aur prarthna karna Don't pray for chapati and roti and dal and all that. और रोटी सब्जी मकान के लिए प्रार्थना मत करिए. God knows. प्रभु उन आवश्यकताओं को जानता है. But you discuss. लेकिन आपस में बातचीत करें. We as a household. कि हम एक घराना एक घर होते हुए. How can we bring three other families? कैसे हम तीन और नए परिवारों को प्रभु में ला सकते हैं? Into our life spring assembly. Life spring की जो मंडली है कलीसिया है उसमें जोड़ सकते हैं. Do that. ऐसा करिए. Hallelujah. Hallelujah. Are you praying for me? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए? आप लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करिए. I travel and More and more doors are being opened. मैं यात्रा कर रहा हूँ कई ज्यादा मार्ग प्रभु खोल रहा है. As I go and teach, और जैसे मैं जाता हूँ और शिक्षा देता हूँ. Make them more fruitful. और उस बात को मैं फलवंत ठहरा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. God receive all honor and glory. और सारा आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलने पाए. So all the clap offering goes to Him. और सारी तालियों की भी आराधना सिर्फ उसी को मिले. Amen. Amen. You want to give a clap offering to God? क्या परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहते हैं? Hallelujah. 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 Let the Holy Ghost come upon you. और होने दे वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने पाए. Let the anointing come upon you. और होने दे वो अभिषेक आपके ऊपर उतरने पाए. Let the Spirit of God come upon you. और होने दे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन ऊपर आए. And you receive the power. और होने दे उस सामर्थ को आप प्राप्त करें. Go from this place. और इस स्थान पर. With a determination. और एक इच्छा शक्ति के साथ. This week our Holy Spirit will use us. और इस हफ्ते में कि पवित्र आत्मा मेरा प्रयोग करने पाए. आमेन. आमेन. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. He is with you. और वो आपके साथ है. Let us lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं. I request Pastor Mahendra to pray and close in prayer. आइए हम लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के संदेश के लिए. हालेलुया. 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 धन्यवाद. 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 आइए मुंह खोल कर उस परमेश्वर का धन्यवाद दें. हालेलुया. 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 धन्यवाद. 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 ओ धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. हालेलुया. 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 God is a good God. Hallelujah. Lord.
प्रभु जी आज के इस संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मनों से बात किया है, और होने दे प्रभु जो हमने सुना है उसे सुनकर अपने जीवनों में लागू और अभ्यास करने वाले बन जाएं प्रभु। होने दे इस नए हफ्ते में प्रभु हम तेरे इस कथा को, तेरे सुसमाचार को कुछ ऐसे लोगों के पास ले जाएं जो तुझे कभी सुना नहीं, तुझे देखा नहीं, तुझे चखा नहीं प्रभु। हमें वो बुद्धि दे पवित्र आत्मा, हमारा मदद कर, हमारा शिक्षक आप हैं, हमारा सहायक आप हैं, और इसलिए प्रभु हमें घबराने की जरूरत नहीं है प्रभु। इसलिए जब आपके लोग इस हफ्ते में अपने पड़ोस में, अपने मित्रों के बीच में, अपने सहकर्मियों के बीच में, अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में तेरे प्रचार को रखते हैं, तेरे प्रेम की कहानी को सुनाते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों का प्रयोग करो, उनके मुंह से प्रभु आप बात करो, और जब वो हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आप चिन्ह और चमत्कारों को उनके जरिए करो, ताकि ये दिखने पाए कि हाँ एक जिंदा खुदा है और वो भला है, और वो आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है प्रभु। और इसलिए मेरा प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि ये हफ्ता एक फलवंत हफ्ता होने पाए प्रभु। इस हफ्ते में हम कुछ नए लोगों के सामने आपको प्रकट करने पाए अपने जीवनों से प्रभु। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक सामर्थ और शक्ति से हमें भर, वो इच्छा शक्ति हमें दे प्रभु, ताकि हम निरंतर इस बात की कोशिश करें ताकि जो कुछ हम करें उसमें तेरे नाम का महिमा हो जाए प्रभु। प्रभु अब जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि आपका मुख आप अपने लोगों के ऊपर चमकाओ प्रभु, आप उनका रक्षा करो प्रभु, आपका अनुग्रह उनके संग संग जाए, आपका उपस्थिति उनके उठने, उनके बैठने, उनके अंदर आने, उनके बाहर जाने, आपका उपस्थिति उनके हर वक्त उनके संग संग रहे प्रभु। और होने दे इस हफ्ते में आपका उपस्थिति उनके जीवनों से प्रकट होने पाए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते इस संगति के लिए, आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमेन आमेन। Pray for all the pastors. और सारे पासवानों के लिए भी आप प्रार्थना करिए। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करिए। Pray for Sami. पास्टर सैमी के लिए प्रार्थना करिए। Pray for Mahendra. और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। And pray for Amit Devi. और पास्टर अमित के लिए भी प्रार्थना करिए। Pray that God will keep all of us in a good health. Amen. Good health. और प्रार्थना करिए परमेश्वर हम चारों को एक अच्छी सेहत और स्वास्थ्य में रखे। And we are here to bless you. और हम यहाँ पर हैं कि आपके लिए एक आशीष का कारण है। As you leave this place now, जैसे आप इस स्थान से निकलते हैं, may the good Lord bless you. और होने दे ये भला परमेश्वर आपको आशीष दे। And keep you. और आपकी रक्षा करे। And may His face shine upon. और होने दे अपने मुख को आप पर चमकाए। Let Him be gracious unto. और हो आप अनुग्रह आपको दे। And let your presence go with you. और उसकी उपस्थिति आपके संग संग जाए। When you go out, जब आप बाहर जाते हैं। When you come in, जब आप अंदर आते हैं। And in the night when you sleep, और जब आप रात में सोते हैं। And when you wake up, और जब आप उठते हैं। In your workplace, और जब आपके कार्यस्थलों में। And in your business place, आपके व्यवसायिक स्थानों में। And among your neighbors, और आपके पड़ोस में। Be a light. आप एक ज्योति ठहरे फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस, परमेश्वर की महिमा के लिए। God's presence go with you. और परमेश्वर का उपस्थिति आप सबके संग संग जाए। Don't be selfish. और स्वार्थी मत बनिए। Living only for me. आप अपने लिए मत जिए। Me, my wife and my children. मैं, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ऐसे नहीं। Live for him. लेकिन उस परमेश्वर के लिए जिए। His heart goes out to the community. और उसका हृदय उस समाज के लिए भरा हुआ है। We'll pray for them. उनके लिए प्रार्थना करिए। And bless them. उसके लिए आशीष करिए। Remember our theme. हमारे शीर्षक को याद रखिए। That God will be favorable to us. और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको दे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।